चपलू और झपलू एक जरूरी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए। पपलू घर में अकेला रह गया। एक दिन पपलू घर में बैठा बहुत बोर हो रहा था। उसे टपलू और झपलू की याद भी आ रही थी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। तभी उसे किचन से खाने की खुशबू आई। वो खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो पपलू को किचन तक खींच ले गई। जब पपलू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ओगी के हाथ में एक केक है। ओगी वो केक मेज पर रख देता है। अरे मैं चम्मच लाना तो भूल ही गया। उसके बाद ओगी किचन के अंदर चला जाता है। पपलू ये मौका पाते ही केक के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही केक के करीब पहुंचता है पीछे से ओगी उस पर जोरदार हमला करता है और फिर उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। ये मैं ओगी से बदला लेकर रहूंगा रे पापा। पपलू एक सेब के दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहां कुछ सेब भी गिरे होते हैं। वो वहां से एक सेब उठाकर खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। जैसे ही पपलू सामने देखता है तो वो चौंक जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑल पर सेट कर दें। पपलू के सामने एक कुआं होता है जिसमें वो एक परी को जाते हुए देखता है। कुछ देर बाद वो परी उस कुएं से निकलती है। पपलू उस परी को अपनी तरफ आते देखकर सेब के पीछे छुप जाता है। वो परी दरख्त के नीचे पड़े सेबों में से एक सेब उठाकर कुएं की तरफ चली जाती है। पपलू भी फौरन उस परी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो परी कुएं के अंदर चली जाती है जबकि पपलू कुएं के ऊपर खड़ा होकर नीचे देखता है। कुएं के अंदर वो परी खड़ी होती है और उसके साथ परियों की रानी भी खड़ी होती है। रानी के हाथ में एक जादुई छड़ी थी। रानी उस सेब पर छड़ी के साथ मैजिक करती है और वो सेब बहुत बड़ा हो जाता है। पपलू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर ये जादुई छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा रे पापा। पपलू कुएं में देखता है कि परी सेब को लेकर वहां से गायब हो जाती है। वो मौके का फायदा उठाते हुए कुएं के अंदर चला जाता है। वो चुपके चुपके से उस रानी के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही रानी मुड़कर देखती है वो घबरा जाती है। डर के मारे उसके हाथ से वो जादुई छड़ी गिर जाती है। पपलू फौरन उसे उठा लेता है और रानी पर मैजिक करके उसे कैद कर देता है। पपलू उस छड़ी से खुद पर मैजिक करता है और वो बड़ा हो जाता है। ओगी, अब तेरी बारी आ गई है रे पापा। दूसरी तरफ ओगी टहलने के लिए अपने घर से निकल आता है। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचता है वहां पपलू खड़ा होता है। पपलू ओगी से कहता है, अब मैं तुझे मस्त तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा रे पापा। ओगी हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर उस जादुई छड़ी पर पड़ती है जो पपलू के हाथ में थी। ओगी समझ जाता है कि ये सब इस छड़ी का कमाल है। पपलू, तू जितना भी बड़ा हो जा तू रहेगा तो कॉकरोच। ये कहने के बाद ओगी पपलू को मुक्का मारता है और जादुई छड़ी कुएं में गिर जाती है। कुएं में वो परी भी आ जाती है। वो छड़ी के जरिए उस रानी को कैद से रिहा करवाती है और रानी उस परी को सब कुछ बता देती है। पपलू बहुत गुस्से में था। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और वो ओगी पर हमला कर देता है। ओगी जख्मी हो जाता है। वो रानी फौरन पपलू को मैजिक से छोटा कर देती है और उसे कैद कर लेती है। इसके बाद वो रानी ओगी को एक जड़ी बूटी का जूस पिलाती है और उसका जख्म खत्म हो जाता है।